नमस्ते दोस्तों, आज जो एक बड़ा मुद्दा हम लोगों के सामने है और जिस पर मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद आपसे बात हो रही है और ये एक ऐसा इशू है जो मुझे लगा जिस पर आपसे बात होनी चाहिए। एक बार आप अगर कंफर्म कर दें कि आप ऑडियो ठीक ठाक सुन पा रहे हैं तो हम इस बातचीत को आगे जारी रख पाएंगे। तो ये जो मुद्दा है दोस्तों, ये यूपीएससी में जो सरकारी पदों पर, केंद्र सरकार के उच्च पदों पर जो नियुक्तियां होती हैं उससे जुड़ा हुआ मामला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक बॉडी है जिसका संविधान में प्रावधान है, और उसका काम जो है वो ये है कि भारत सरकार के लिए नौकरशाही का वो चयन करती है। तो एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण एक इसका काम है कि जो देश को चलाने वाली संस्थाएं हैं उसमें नौकरशाही एक प्रमुख संस्था है और जिससे ये देश चलता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक कलेक्टर जो आमतौर पर आईएएस के अपना फर्स्ट प्रमोशन के बाद बनता है, या एक एसपी, वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तो आगे चल जाते हुए वो जब वो कमिश्नर या एसएसपी, आईजी, डीजीपी या जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तक बनता है, तमाम बड़े कॉरपोरेशंस में मैनेजिंग डायरेक्टर और ये सब बनता है। एक एक लोगों, एक एक ऐसे अफसर के नीचे 40,000 50,000 तक सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो ये यूपीएससी का जो काम है, खास करके सिविल सर्विस के अफसरों का जो चयन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक तरह से देश को चलाने वाली जो प्रमुख संस्थाएं हैं, और ये चूंकि भंग नहीं होती है विधानसभा या लोकसभाओं की तरह, सरकारों की तरह बदलती नहीं है, तो बहुत पावरफुल बॉडी है। और ये एक तरह से देश को संचालित करने वाली नियामक संस्था, जो एक तरह से जहाँ पर नीतियाँ बनती हैं, नीतियाँ लागू होती है, उसकी संस्था है। तो यूपीएससी जिस तरह से इस नौकरशाही का चयन करता है, इस पर कड़ी नज़र हम सबकी होनी चाहिए। हर साल एवरेज अगर आप देखें आज़ादी के बाद से, तो आम तौर पर 1,000 ± 200 के आसपास, मतलब 800 से लेकर रेंज आप मोटे तौर पर रख लीजिए 1,200 - 1,400 तक अफसरों का, सिविल सर्विस के अफसरों का चयन यूपीएससी के जरिए होता है। भारत सरकार उसकी नियुक्ति करती है और इसकी नोडल जो मिनिस्ट्री है वो डीओपीटी है, उसको इस काम को करना होता है। अब ये जो पूरी नियुक्ति है, इस पर चूंकि कड़ी निगाह लोगों को रखनी चाहिए। एक एक अफसर इतना पावरफुल होता है, और ये आप समझिए कि इतनी इस नौकरी की इतनी आप अहमियत का अंदाज़ा लगाइए कि 11-12 लाख तक लोग कई बार आपको इसके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं। कई कई लोगों की जिंदगियां खप जाती हैं, बहुत श्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन से लोग इसकी तैयारी करते हैं। तो इसके में जो नियुक्ति का तरीका है, इसमें एक महाघोटाला सामने आया है। अब दिलचस्प ये है कि यूपीएससी ने अपने अब तक के इतिहास में, आज़ादी के समय से ही यूपीएससी है इस देश में, तो यूपीएससी अपने पूरे इतिहास में पहली बार किसी घोटाले पर एक सफाई देती है। और ये सफाई दी जाती है 6 अगस्त को कि हम कोई घोटाला नहीं कर रहे हैं, हम नियमों के तहत नियुक्तियां कर रहे हैं। तो आप समझिए कि सोशल मीडिया पर जो इसको लेकर जो विवाद उठा है, वो कितना महत्वपूर्ण है कि यूपीएससी को खुद सामने आकर इसकी सफाई देनी पड़ी है। अब ये मामला क्या है, इसको आप सारा गौर से सुनिए। मैं बहुत सारे लोग चूंकि इस विवाद को पहली बार देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी मुझे दिख रहे हैं, मुकेश गौतम, इंद्रजीत यादव, राहुल राज, जय भीम, जय पेरियार, और भी सारे लोग देखिए, अपने राम अवतार मीणा जी हैं, आशीष खुसरे जी हैं, कमलकांत गुरवे जी हैं, बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। इसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस घोटाले के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे। कुछ लोग जो यूपीएससी के एप्लीकेंट्स हैं, उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम होगा, उनके अपने कोचिंग सेंटर्स वगैरह में इस घोटाले की चर्चा भी हुई होगी, जाहिर है। जो इस घोटाले की पहली के अगस्त में चली चर्चा से वाकिफ़ हैं, उनको मालूम होगा कि ये घोटाला क्या है। लेकिन मैं शुरू कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो इस घोटाले के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि ये पूरा मामला है क्या, और इससे किस तरह से भारत को चलाने वाली जो नौकरशाही है उसके चयन में किस तरह की धांधली हो रही है, और खास करके SC ST और OBC किस तरह से इसमें मारा जा रहा है, किस तरह से उसकी सीटें जो है वो लूटी जा रही हैं। जैसे इस साल का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको एक
नॉर्मेटिव आइडिया के तौर पर मैं आपको 100 या 1000 के स्केल पर उस चीज को फिर रखने की कोशिश करूंगा। देखिए हुआ क्या है, जैसे इस साल का की लिस्ट मेरे सामने है और आप मुझे पता नहीं कि अगर मैं इसको आपको आईपैड पे दिखाऊं तो वो आपको रिवर्स आएगा या सीधा आएगा। एक मिनट में कोशिश करता हूं कि आप इसको देख पाएं कि ये किस तरह से ये सारा मामला सामने आया है। देखिए इस साल केंद्र सरकार ने यूपीएससी को कहा कि आप 927 अफसर हमें चाहिए, वो अलग अलग आईएएस आईपीएस और आईएफएस और ये अलग अलग कैटेगरीज के सब मिलाकर हमें 927 अफसरों की लिस्ट भेजिए। यूपीएससी का काम सिर्फ ये था कि वो सिलेक्शन करके एक लिस्ट 927 अफसरों की 927 अफसरों की वो सरकार को भेज देती और सरकार उसको नियुक्त कर लेती। ये होता एक फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीका। लेकिन यूपीएससी का जो रिजल्ट आता है 4 अगस्त को पिछले साल, यूपीएससी 927 लोगों की लिस्ट सरकार को नहीं भेजती है। इसकी जगह यूपीएससी क्या करती है, 829 लोगों की एक लिस्ट भेजती है कि इन लोगों का हमने सिलेक्शन किया है और आप इनको नियुक्ति दे सकते हैं। तो इस तरह से एक यूपीएससी ने 829 लोगों की एक लिस्ट भेजी। अब 927 लोग जो चुने जाने थे केंद्र सरकार ने जितने लोगों को लिस्ट भेजने के लिए यूपीएससी से कहा था, उसमें से 397 लोग जनरल कैटेगरी के होने थे, 83 लोग ईडब्ल्यूएस के होने थे, 251 ओबीसी के होने थे, 129 एससी के और 67 एसटी के होने थे। अब यूपीएससी जब लिस्ट भेज रही है तो 67 एसटी के बदले में 67 की लिस्ट पहले भेजती है, शेड्यूल्ड कास्ट के 129 कैंडिडेट के बदले में 129 की ही लिस्ट भेजती है, ओबीसी के 251 की जगह 251 की ही लिस्ट भेजती है, ईडब्ल्यूएस के 83 की जगह 78 की लिस्ट भेजती है, और बड़ा घोटाला कहाँ होता है, जनरल की 397 की जगह 304 की ही लिस्ट यूपीएससी यहाँ पर भेज रही है। अब ये जो पूरा मामला हुआ क्या है, जब आपको कहा गया कि 927 की लिस्ट भेजिए तो आपने 829 की ही लिस्ट क्यों भेजी। दरअसल हुआ क्या है दोस्तों कि पिछले साल, इस साल और इससे पहले के हर साल में ये जो जनरल मेरिट लिस्ट है इसमें एससी एसटी ओबीसी के लोग बड़ी संख्या में चुने जाते हैं। अब आपको 397 में 91 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एससी एसटी ओबीसी के हैं। अब यूपीएससी को कोई ऐसा तरीका निकालना है जिसमें जिससे कि ये 91 लोग बाहर हो जाएं और यहाँ पर फिर जनरल कैटेगरी जो है वहाँ पर फिर अपर कास्ट के लोग आ जाएं। तो एक तरह से यूपीएससी की मंशा ये है कि जो जनरल कैटेगरी है उसको अपर कास्ट कैटेगरी बना दिया जाए, 40% रिजर्वेशन अपर कास्ट को दे दिया जाए 15% आबादी को, जो कि ईडब्ल्यूएस क्योंकि उसमें एससी एसटी ओबीसी के लोग ऐसे ही नहीं आ सकते हैं तो 10% रिजर्वेशन तो आपने जो अपर कास्ट है उसको ऐसे ही दे दिया, इसके अलावा जो 40% है उसको भी वो अपर कास्ट के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। ये है कुल मिलाकर इस पूरे आइडिया के पीछे की फिलॉसफी। आपको मैं इसको एक एब्सोल्यूट नंबर के टर्म में बताता हूँ। आप समझिए कि 1000 लोगों की नियुक्ति होनी है, 1000 की नियुक्ति होनी है तो जाहिर है कि उसमें 400 जो हैं वो जनरल कैटेगरी में होंगे, जनरल मेरिट में होंगे, जो भी मेरिट में आएगा वो उसमें आना चाहिए। इसके अलावा 1000 में से 100 जो है ईडब्ल्यूएस आएगा, 270 ओबीसी आएगा, 150 जो है वो एससी आएगा और 75 एसटी आएगा। ये इस तरह से इसका बंटवारा होना चाहिए। अब अगर 400 जो जनरल मेरिट है उसमें अगर 100 लोग एससी एसटी ओबीसी के आ गए तो अब यूपीएससी की प्रॉब्लम ये है कि उसकी दृष्टि इस बारे में है, इस यहाँ पर है कि जो जनरल मेरिट है उसमें जो एससी एसटी ओबीसी के हैं उनको बाहर किया जाए। ये कुल फिलोसॉफिकल आइडिया जो है वो उस पर काम यूपीएससी कर रहा है कि किसी भी तरह से जो जनरल मेरिट में जो लोग आ जा रहे हैं एससी एसटी ओबीसी के उनको वापस अपनी कैटेगरी में धकेल दिया जाए, ताकि जो इनकी अपनी जिसको वो मान रहे हैं कि जनरल कैटेगरी जो है वो हमारी कैटेगरी है, वो अपर कास्ट कैटेगरी है, इसमें हम किसी और को आने नहीं देंगे। ये है कुल घोटाला। अब इसकी काट कैसे निकालता है यूपीएससी, इसमें क्या घपला कर रहा है। अब वो जब ये लिस्ट आ जाती है 829 की और इसके अलावा एक कंसोलिडेटेड लिस्ट वो 182 कैंडिडेट की जारी कर देता है, लेकिन उसमें लिस्ट नहीं जारी करता है, वो सिर्फ 182 का एक
नंबर बता देता है कि 182 लोग जो हैं वो कंसोलिडेटेड लिस्ट के हैं। अब जो जिन लोगों का नाम यूपीएससी ने अनाउंस नहीं किया है अपनी फर्स्ट लिस्ट में 91 की, उसका रिजल्ट जो है 4 अगस्त के बाद 4 जनवरी 2021 को उनका रिजल्ट आता है, और उसमें 91 में 71 लोग 73 लोग जो हैं वो अपर कास्ट के जनरल कैटेगरी से होते हैं, 1 EWS से होता है, 14 OBC का होता है, और 1 सिर्फ ST का होता है, SC का होता है। तो ये जो लोग 91 लोग इसमें SC ST और OBC के आने चाहिए थे, इसकी जगह 73 सीटें निकालकर, बल्कि एक अगर EWS को भी जोड़ लें तो 74 सीटें जो हैं उन्होंने यहाँ पर अपर कास्ट को दे दी है। ये है कुल मिलाकर घोटाला। इसको आप अगर कोई जटिलता है और इसमें कोई सवाल अगर पूछना चाहता है तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा, और इस बात को मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है कि UPSC इसको लेकर कितना संवेदनशील है, सरकार इसको लेकर कितनी चिंतित है, लगातार क्लरिफिकेशंस आ रहे हैं, OBC कमीशन में इस पर चर्चा हो रही है, और बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसको इसमें आप समझिए कि हर साल अगर 100 सीटों की चोरी हो रही है, कभी 70 कभी 80 कभी 100 इस तरह की चोरी हो रही है, और इसके बारे में अगर ST OBC को एहसास हो गया है, देश की 85% आबादी को अगर एहसास हो गया है कि हमारी सीटें चोरी हो रही हैं। इसमें एक दिक्कत ये भी है कि अगर UPSC ने यह करना शुरू कर दिया है तो राज्यों के आयोग भी देर सवेर UPSC का ही तरीका अपना लेंगे, और इस तरह से वो जो सीटों की चोरी है वो होगी। UPSC इसके लिए जो इनका सर्विस रूल है, इनका रूल नंबर 16 जो अगर आप UPSC का पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये दिखेगा कि 16(3) और 4 जो है उसमें इन्होंने पेंच किया है, और ये नियम उन्होंने ही खुद बनाया है। नियम ये है कि अगर आप SC ST OBC के हैं लेकिन आप अगर जनरल मेरिट में आ गए हैं तो, और जनरल मेरिट में अगर आपका रैंक थोड़ा नीचे है तो अगर आप अपनी कैटेगरी में वापस लौट जाते हैं तो आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। अगर आपको IAS चाहिए तो IAS मिलेगा, IPS चाहिए तो IPS मिलेगा। ये जो एक व्यक्ति का इंटरेस्ट है उसको वो अपफ्रंट कर दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आप अपनी कैटेगरी में लौटिए तो आपको अपनी अच्छी सर्विस मिलेगी। और जैसे ही आदमी यहाँ से अपनी जनरल मेरिट से निकलकर अपनी कैटेगरी में लौटता है तो एक सीट जो खाली होती है वो उस कैटेगरी से ना भर के उसको वो जनरल मेरिट से भर देते हैं, जो अक्सर अपर कास्ट का कैंडिडेट होता है। ये काम मोदी सरकार में बेधड़क हो रहा है, लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का समय है, पहली बार इसको लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं, पहली बार इतनी बात हो रही है, आपको ट्विटर पे 2 दिन लगातार ट्रेंड हुआ, करीब करीब उस पर 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट किया, तो ये पूरा जो मामला है ये अब धीरे धीरे खुल रहा है और अब इसमें दिक्कत हो रही है। इसमें सरकार ने एक और खेल किया है, क्योंकि उसको मालूम है कि सरकार इस काम को नहीं कर सकती, सरकार पकड़ी जाएगी तो उस पर दबाव बढ़ेगा, पार्लियामेंट में हंगामा होगा। तो सरकार ने क्या किया कि एक इस मामले को वो सुप्रीम कोर्ट में ले गई, और एक जजमेंट आता है 2010 में, 7 मई 2010 में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रमेश जैन केस में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट, जो कि आप जानते हैं कि हमेशा अक्सर सरकार के साथ अलाइंड होती है और सरकार के साथ ही वो कई बार उनके सुविधा के हिसाब से, जैसे ST Act में हुआ या रोस्टर मामले में हुआ, सरकार की मंशा के हिसाब से फैसले लिखती है। तो यहाँ पर उन्होंने जैसे किसान आंदोलन में कर रहे हैं कि वो कोर्ट के जरिए इस मामले को रिजॉल्व करके, ये कह रहे हैं अब तो ये तो कोर्ट का फैसला है, हम क्या कर सकते हैं। भाई कोर्ट का फैसला ये तो सही है, लेकिन कोर्ट में सरकार ने क्या पक्ष लिया, क्योंकि ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रमेश जैन का केस है, तो इसमें पार्टी कौन है, यूनियन ऑफ इंडिया है, भारत सरकार पार्टी है। क्या भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आया तो उन्होंने SC ST OBC के पक्ष में दलील दी या अपर कास्ट के पक्ष में दलील दी, उन्होंने रिजर्वेशन के पक्ष में दलील दी या रिजर्वेशन के खिलाफ दलील दी। तो हम देखेंगे, अगर उस जजमेंट को आप पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रमेश जैन, आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इसको देख सकते हैं, 7 मई 2010 का फैसला है, तो इसमें पाएंगे कि कोर्ट में जब भारत सरकार जाती है तो भारत सरकार वहां पर रिजर्वेशन के खिलाफ दलील देती है, और वो ये देती है दलील कि हमारा जो नियम है कि SC ST OBC को जिस तरह से ये उस कैटेगरी के अंदर फंसा के रख देना है ताकि जो जनरल मेरिट है वो अपर कास्ट की सीटें बन जाए, तो इसके पक्ष में वो दलील देती है। अब ये दलील जो है ये बहुत दिलचस्प है, इसको इसके बारे में आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि UPSC ने जो 6 अगस्त को इसका क्लैरिफिकेशन दिया है वो क्लैरिफिकेशन क्या है।
वो ये बता रहे हैं कि फॉर रिकमेंडेशन टू द सर्विसेज पोस्ट अंडर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन द कमीशन स्ट्रिक्टली गोज बाय द रूल ऑफ एग्जामिनेशन एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए कि यहाँ पर पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल नोटिफाई किया है और 927 वैकेंसीज के बदले में जो वो 829 कैंडिडेट का वो लिस्ट जो जारी कर रहे हैं वो रूल 16(4) और 16(5) के तहत है। तो यहाँ पर आप देखिए तो एक तरह से यूपीएससी ये बात तो सही कह रही है कि नियमों के तहत कर रही है, लेकिन घोटाला तो नियमों में है। आपने नियम ऐसे बनाए हैं कि आप मजबूर कर रहे हैं एससी एसटी ओबीसी के मेरिट में आए हुए कैंडिडेट को कि आप अपनी कैटेगरी में जाइए ताकि हमारी जो बाकी की सीटें हैं वहां पर हम अपर कास्ट को वो सीटें दे सकें। तो ये घोटाला अगर साल दर साल इसी तरह चलता रहा और देर सवेर अगर राज्य सरकारों ने और उनके आयोगों ने भी अगर यही तरीका अपना लिया तो आप समझिए कि ये हर साल 20,000 से 30,000 नौकरियों का मामला है जो कि एससी एसटी ओबीसी की नौकरियां होंगी लेकिन जो अपर कास्ट को चली जाएंगी उनको लुटा दी जाएंगी। ये जो प्रश्न वगैरह जो आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ ये मुख्य रूप से इस घोटाले को समझने से संबंधित है और ये कह रहे हैं कि जैसे अब लिखा जा रहा है कि दलितों पिछड़ों के साथ धोखा किया जा रहा है, दिलीप कुमार साहब कह रहे हैं कि सही कहा आपने और एससी एसटी राजनीति के पैरोकारों की मौन सहमति है। देखिए एससी एसटी ओबीसी के पैरोकार जो राजनीतिक पैरोकार हैं कई मामले समाज को खुद हल करने पड़ते हैं। ये आप हर चीज़ के लिए अगर राजनेताओं की तरफ देखेंगे तो राजनेता भी दरअसल आपकी तरफ देख रहा है। अगर डिमांड होगी, अगर आंदोलन होगा तो राजनेता निश्चित रूप से आपके साथ आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो उनको इस वोट की चिंता नहीं है, क्योंकि देखिए अब इस नियम को बदलने की जो बात है वो केंद्र सरकार के स्तर पर हो रहा है और आप देखेंगे कि बकायदा DOPT ने प्रधानमंत्री के निर्देश पर 9 जुलाई को ये भी कहा कि सर्विस एलोकेशन जो हो रहा है उसमें फाउंडेशन कोर्स के आधार पर उनके सर्विस एलोकेट किए जाएं। तो अगर यूपीएससी अगर इसी प्रपोजल को यूपीएससी मान ले कि 927 की लिस्ट आप फाइनल कर लीजिए, पहले तो जितने कैंडिडेट आपको देने के लिए कहे गए आपका काम परीक्षा लेकर एक लिस्ट बनाना है, आप इसमें कोई घोटाला मत कीजिए, 927 की टोटल मेरिट लिस्ट आप भेज दीजिए। आप ये मत कीजिए कि हम 800 की भेज देंगे और 700 की भेज देंगे और बाकी हम एक लिस्ट छुपा के रख लेंगे जो कि 4-5 महीने बाद जब पूरा मामला ठंडा पड़ जाएगा तो हम उसमें एक लिस्ट ले लाकर आपको रख देंगे। तो ये जो घोटाला है इसको असल में रोकने के लिए इस समय बहुत ज़बरदस्त दबाव है। बाकायदा PMO की तरफ से इस पर लिखा गया है, मैं आपको बताऊँ कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ये मामला 25 जून को आया था कंबाइंड फाउंडेशन कोर्स का। तो ये असल में PMO की तरफ से देखिए ये रिपोर्ट भी हुआ है कि 100 दिन का एक कंबाइंड फाउंडेशन कोर्स का प्रोग्राम हो जिसके लिए रिकमेंडेशन PMO ने किया है। तो ये मामला दरअसल अब वहाँ पर है जहाँ पर अगर आपकी तरफ से ये दबाव बनता है, अगर देखिए अब दिल्ली शहर में ही कम से कम SC ST OBC के 3-4 लाख बच्चे क्या मतलब बड़े लोग भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनमें अगर थोड़ी सी भी जागृति हो थोड़ी सी भी चेतना हो तो वो इतनी मेहनत आखिर कर क्यों रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि वो सिविल सर्विस में सेलेक्ट हों, लेकिन सिविल सर्विस की टोटल सिलेक्शन का एक मेजर हिस्सा जो अच्छा खासा हिस्सा है मतलब 10% हिस्सा एक तो UDWS को चला गया और उसके अलावा 10% अगर कंसोलिडेटेड लिस्ट के नाम पर छिपा कर किसी को बाद में दे दिया जाए तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा उनके आंखों के सामने से हो रहा है जिस पर कि इतनी सारी चर्चाएं हैं। मतलब भारत का कोई अखबार नहीं है जिसने कि UPSC स्कैम पर खबर ना लिखी हो। आप हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया तक में इससे रिलेटेड खबरें छप रही हैं। सिर्फ इस महाघोटाले को पकड़ने की जरूरत है, इसको लोगों को बताने की जरूरत है और इसको लेकर जरूरत पड़े तो UPSC या केंद्र सरकार में प्रदर्शन करने की जरूरत है और जरूरत पड़े तो वहाँ जो SC ST OBC के सांसद हैं बाकी सांसद उनसे बात करने की जरूरत है कि आप इस मामले को उठाएं क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए अब एक बार मैं आपको रिकैप कर रहा हूँ पूरे मामले को दोबारा सिर्फ एक बार स्पष्टीकरण करने के लिए कि ये पूरा जो पूरा मामला है वो क्या है। वैसे तो एक चीज़ देखिए कि आप UPSC का कॉन्स्टिट्यूशन है जिस तरह से बना है जो इस तरह से इसका गठन हुआ है मैं आपको बता दूँ, चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी, मेंबर भीमसेन बस्सी, फिर AS भोंसले, सुजाता मेहता, मनोज सोनी, नागराज साहब, व्यास साहब, अनंत
चौबे, राजीव नारायण चौबे, मतलब इस पूरे यूपीएससी के कमीशन में इस समय एससी एसटी ओबीसी का कोई सदस्य नहीं है। तो ये अब केंद्र सरकार की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा है कि ये यूपीएससी को बनाया ही गया है एक अपर कास्ट बॉडी की तरह, जो अपर कास्ट के हितों की रक्षा का काम कर रही है। सरकार अगर जानना चाहेगी कि भाई अब जो लिस्ट को किस तरह से बनाया जाए, तो इसके बारे में बात हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है। क्योंकि लेकिन भारत में अभी तक रिजर्वेशन का जो उल्लंघन है वो कोई अपराध नहीं है, इसके लिए कोई एक्ट नहीं है कि कोई अधिकारी अगर रिजर्वेशन का उल्लंघन करके सीटों को इधर से उधर कर दे तो कोई उस पर मुकदमा हो, ऐसा कोई नियम नहीं बना है, ऐसा कोई एक्ट नहीं बना है। ये सब गवर्नमेंट ऑर्डर से चल रहा है, बहुत मनमाने तरीके से चल रहा है। और हमारे जो नेता हैं, जो सोशल जस्टिस के नेता अब तक रहे हैं, उनका ध्यान अभी बहुत बुनियादी मुद्दों की तरफ रहा है, इन बारीकियों में और इन शातिर चाल जो है जातिवादियों की, जो शातिर चाल है उसको पकड़ना और उसको लेकर फिर आंदोलन करना, फिर पार्लियामेंट में उसको लेकर हंगामा करना, फिर नियम बनवाना, इसकी जो जटिलताएं हैं ये तभी हल होंगी जब समाज का प्रबुद्ध तबका, पढ़ा लिखा हिस्सा, जो इन बातों को समझता है, जो इन जटिलताओं को समझता है, जिसे बात कर सकता है, वो जब इन मुद्दों को उठाएगा तो निश्चित रूप से इस बारे में चर्चा होगी। एक बार मैं फाइनल रिकैप कर देता हूँ कि ये घोटाला क्या है और इसके बारे में आपको किस तरह से क्यों बात करनी चाहिए। देखिए, इस साल जो 2020 में जो जिसका रिजल्ट आया है और 2021 तक जिसका रिजल्ट आया है, उसमें केंद्र सरकार ने यूपीएससी से कहा कि आप 927 सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट हमें भेजिए, जिसको कि हम आईएएस आईपीएस और तमाम काडर में रखेंगे। 927 की लिस्ट केंद्र सरकार ने यूपीएससी से मांगी, यूपीएससी ने अपनी तमाम परीक्षाएं ली, इंटरव्यूज किए, और इसके बाद 927 की जगह 829 लोगों की लिस्ट 4 अगस्त 2020 को भेज दी। 927 की लिस्ट मांगी गई, लिस्ट भेज दी गई 829 की, और 4 अगस्त के कई महीने बाद 4 जनवरी 2021 को फिर और एक लिस्ट आ जाती है, जिन कैंडिडेट का वो 89 कैंडिडेट की एक लिस्ट फिर आती है, और इसके इस तरह से यूपीएससी टोटल 927 लोगों की लिस्ट भेजती है। घोटाला ये है कि 927 लोगों का नाम जब केंद्र सरकार ने मांगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट का, आपने परीक्षा 927 लोगों के लिए ली, आप 829 लोगों की लिस्ट क्यों भेज रहे हैं, और इसके बाद जो लोग रिजर्व लिस्ट है उसके नाम आप उस समय क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, नाम आप क्यों छुपा रहे हैं। आप यूपीएससी के साइट पर जाकर चेक कीजिए तो जो रिजल्ट आएगा उसमें वो जो फाइनल रिजल्ट है उसके सारे 927 लोगों के नाम आपको एक जगह कंसोलिडेटेड नहीं मिलेंगे, वो बिखरा हुआ जगह जगह रहेगा, ताकि इस आंकड़ों को ठीक से कंपाइल करके इसको, इन जटिलताओं को ना समझा जाए। इसमें होता क्या है कि जो लोग इसमें जनरल मेरिट में आ जा रहे हैं एससी एसटी ओबीसी को, उनको जनरल मेरिट से बाहर करके जो जनरल मेरिट है उसको अपर कास्ट की लिस्ट बनाने की पूरी साजिश है। ये फिलॉसफी है, ये आइडिया है इस पूरे करप्शन के पीछे। अब जैसे अगर ये लिस्ट अगर न, 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 पूरी 927 की भेज दी गई होती तो ओम बिरला की बेटी का सिलेक्शन सिविल सर्विस में नहीं होता। ये सिलेक्शन सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि यूपीएससी ने घोटाला करके 927 में से 89 कैंडिडेट की लिस्ट बाद में भेजी है और एससी एसटी ओबीसी के लोगों को उस लिस्ट से निकाल कर वहाँ पर 73 जो जनरल कैटेगरी है, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनको उन्होंने भर दिया है। और एक एक अफसर कितना पावरफुल होता है, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एक सिविल सर्विस का एक अफसर कितना महत्वपूर्ण होता है और कितना असर बिल्ड करता है। सीनियर होता जब चला जाता है, वो कमिश्नर से लेते हुए जब वो जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी और भारत सरकार का सेक्रेटरी बनता है, तो कितना वो असर दिखाता है, वो कितनी पॉलिसीज में इम्पैक्ट करता है, कितनी नियुक्तियाँ वो करता है। तो ये घोटाला है। हम सिर्फ इसमें हम मामले में चाहते हैं कि सरकार जितनी अफसरों की नियुक्ति करना चाहती है, यूपीएससी एकमुश्त उतने लोगों की लिस्ट सार्वजनिक करे, उसको पब्लिक करे, अपनी वेबसाइट पर डाले, ताकि लोग फेयर तरीके से, ईमानदार तरीके से जो परीक्षा दे रहे हैं वो चुनकर आएँ और वो देश को चलाएँ, वो उससे देश की नौकरशाही बने। ये चोरी छिपके जो आपने 89 लोगों की लिस्ट बाद में जारी की और इसके लिए आपने जो खेल किया कि आप इस लिस्ट से उस लिस्ट में चले जाइए और अपनी अपनी कैटेगरी में चले जाइए, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
आप 927 की कंसोलिडेटेड लिस्ट जारी कर लीजिए, उसके बाद आप उसमें से जो ओबीसी का कैंडिडेट जनरल मेरिट में आ गया है उसको आप ओबीसी लिस्ट के ऊपर रख के उनको आप सर्विस दे सकते हैं। दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? आप साजिश सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी मंशा खराब है, आपकी मंशा नियत खराब है, आप एस सी एस टी ओबीसी के लोगों को दबा कर रखना चाहते हैं। तो इसको अगर आप समझ पा रहे हैं तो वो ठीक है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं तो मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो कृपया इसको और शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये कॉपीराइट फ्री वीडियो है, कोई अगर चाहे कि इसको अपने यूट्यूब चैनल पर डालना चाहे तो इस पर मेरा कोई क्लेम नहीं है, मेरा कोई फाइनेंशियल क्लेम नहीं है। आप इसको जिस भी तरह से चाहें, जिस टुकड़े में चाहें वो इस्तेमाल करें। और यूपीएससी से हमारी यही गुजारिश है, अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ, कोई डिफेमेट्री है, कोई गलत अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो चाहें तो मुकदमा दम कर सकते हैं मुझ पर, वो मुझ पर केस कर सकते हैं, मैं खुद को डिफेंड कर लूँगा, मुझे मालूम है। क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है ये करप्ट सिस्टम है और इसको लेकर निश्चित रूप से बात होगी। आप चाहें जितना क्लेरिफिकेशन जारी कर लें, इस बार फिर क्लेरिफिकेशन जारी किया गया जनवरी महीने में, जब ये मामला फिर से आया तो फिर से क्लेरिफिकेशन आ रहा है। आप सफाइयों पर सफाइयाँ दिए जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो मामला है, आपको मालूम है कि आप घोटाला कर रहे हैं, आप करप्शन कर रहे हैं, इसके बारे में आपको मालूम है, इसलिए आप इतने बार बार आप इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो हमें मालूम है कि आप क्या खेल कर रहे हैं। अब सिर्फ ये है कि हमको इस करप्शन को लाखों लोगों तक पहुंचाना है, तो हमारा दायित्व आपने ये दे दिया है, हम पर आपने जिम्मा दे दिया है कि हम लाखों लोगों तक इस करप्शन की बात पहुंचाकर इसको रिजॉल्व करें। तो ठीक है, ये अगर आपने चैलेंज हमें दिया है तो हम कोशिश करके देखते हैं कि आप कितने दिन तक इस करप्शन को चला पाते हैं, क्योंकि हम बहुत कन्विंस हैं कि आप एक अनडेमोक्रेटिक काम कर रहे हैं, एक अनएथिकल काम कर रहे हैं, और आपको भी मालूम है आप अनएथिकल हैं, अनडेमोक्रेटिक काम कर रहे हैं, तो आप इसको बहुत लंबे समय तक शायद नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और इस इशू को ट्विटर पर भी हम ले जाने की कोशिश करेंगे। जो लोग ट्विटर पर हैं वो अगर चाहें तो आज रात 8 बजे एक ट्विटर स्टॉर्म कर सकते हैं इस इशू को लेकर, और वो हैशटैग जो है वो मैं फेसबुक पर भी डाल देता हूं, आप उसको देख लीजिए, वो यूपीएससी स्कैंडल के नाम से इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप उस ट्विटर पर डालिए, ताकि इसको हम पिछली बार की तरह इसको भी हम चर्चा में ला सकें। मुद्दे बहुत हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, तमाम खुदरा इश्यूज़ हैं, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिसको अगर एस सी एस टी ओ बी सी खुद नहीं उठाएगा तो फिर कोई नहीं उठाएगा। जो मतलब सेकुलर और कम्युनल दोनों जो सवर्ण पत्रकार हैं उनमें से कोई भी इस इशू को उठाने वाला नहीं है। इस इशू को अगर उठाना है तो हमारे समाज के अपने प्रबुद्ध लोगों को ही इस इशू को उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सवर्ण पत्रकार होगा वो अपनी जाति हितों से बंधा होगा और इस इशू को तो नहीं उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।